नमस्कार दोस्तों, हम आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं देवेश शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं आज के मैच के बारे में, जो कि किंग्स इलेवन पंजाब और वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, जो कि आईपीएल का आज 13वां मैच है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होगी हमारी ड्रीम 11 की मेगा कॉन्टेस्ट की टीम और क्या होगी स्मॉल कॉन्टेस्ट की टीम। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की इस आईपीएल के परफॉर्मेंस की। तो अभी तक इन दोनों टीमों ने तीन तीन मैच खेले हुए हैं, तो तीन तीन मैच खेलने के बाद भी मुंबई इंडियंस भी अभी तक सिर्फ एक मैच विन करके आई हुई है और पीछे से किंग्स इलेवन पंजाब भी एक ही मैच विन करके। किंग्स इलेवन पंजाब काफी अच्छी बैटिंग कर रही है, मतलब 203 190, मतलब टारगेट जो भी काफी अच्छे करके जा रही है, लेकिन अभी तक भी एक ही मैच जीत पाई है। तो अब हम बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस भी काफी अच्छा खेल, लेकिन अभी तक इनके भी झोली में सिर्फ एक ही मैच आया हुआ है विन करके। तो हम बात कर लेते हैं इनकी प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 हमारे हिसाब से आज वही रहने वाली है। रोहित शर्मा, क्वेंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड, कुशाल पांड्या और जसप्रीत बुमराह, राहुल चहर, जेम्सी पिथेंसन। और अब बात कर लेते हैं हम इनके परफॉर्मेंस की। तो इनका परफॉर्मेंस जो है, रोहित शर्मा और क्वेंटन डिकॉक ओपनिंग करने उतरते हैं तो काफी अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच में लोग कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके बाद जो सूर्य कुमार यादव और काफी अच्छा खेल के गए थे। तो हम बात कर लेते हैं ईशान किशन। तो लास्ट मैच में ईशान किशन काफी अच्छा खेले थे और 99 रन की बैटिंग करके गए थे। तो आज के पिक में हम जो स्मॉल कॉन्टेस्ट खेलेंगे उसमें ईशान किशन को भी रखेंगे और मेगा कॉन्टेस्ट में भी हम ईशान किशन को खिलाएंगे। अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, पांड्या ब्रदर्स के नाम से जो मशहूर है। तो इन दोनों प्लेयर में से आप किसी एक प्लेयर को रख सकते हैं, या तो हार्दिक पांड्या को ऑलराउंडर में खिला लीजिएगा या तो फिर कुणाल पांड्या को खिला लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किरण पोलार्ड। तो लास्ट मैच में लगा कि हाँ, किरण पोलार्ड भी लय में आ चुके हैं, इनकी रनों की जो भूख है वो बाहर निकलना शुरू हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद इनके बॉलर्स की। तो मुंबई की तरफ से जो बॉलर्स हैं वो किरण पोलार्ड बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह जो इस तीन मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए, तो जसप्रीत बुमराह से काफी अच्छी उम्मीदें हैं मुंबई इंडियंस को। लेकिन अभी तक जिस हिसाब की उम्मीदें होती हैं, उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर रहे जसप्रीत बुमराह। तो आज के मैच में मैं जसप्रीत बुमराह को अपनी टीम में नहीं रखूंगा, आप चाहें तो रख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें राहुल चहर। राहुल चहर काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आज के मैच में राहुल चहर को भी रखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। तो किंग्स इलेवन पंजाब की जो ओपनिंग जोड़ी है लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल, जो कि काफी अच्छे परफॉर्मेंस करती हुई चली आ रही, मतलब तीनों मैच में ओपनिंग दोनों की बहुत जबरदस्त हुई है। तो आज के हम अपने ड्रीम इलेवन टीम में इन दोनों प्लेयर को पिक करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब के। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो लास्ट मैच में ग्लेन मैक्सवेल भी फॉर्म में आ चुके हैं, तो कह सकते हैं इनकी भी भूख आज ऊपर ही है, बिल्कुल खाने के लिए बैठे हुए कि हाँ, आज हमको रन की भूख बहुत तगड़ी लगी हुई है। तो हम बात कर लेते हैं इसके बाद निकोलस पूरन। तो निकोलस पूरन भी ठीक ठाक फॉर्म में आ चुके हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी तरफ से बाकी जो इतने प्लेयर्स थे, तो लास्ट मैच में इनकी बैटिंग नहीं आई थी, करुण नायर, सरफराज खान, जिमी नशीम, मॉर्गन अश्विन, सर्डल क्वार्टर, मोहम्मद सामी और रवि बिश्नोई। लेकिन सर्डल क्वार्टर जो है उनकी जो बॉलिंग है काफी, हमें नहीं लगता कि बॉलिंग सही है। लास्ट मैच में आप लोगों ने देखा कि मतलब एक राहुल तेवतिया जैसे बैट्समैन ने इनके एक ओवर में 5-5 छक्के लग दिए। हमें तो भाई नहीं समझ में आया कि राहुल तेवतिया जैसा मतलब बैट्समैन इनके ओवर में कैसे 5 छक्के मार सकता है। तो इनको हो सकता है आज के मैच में बिठा किसी दूसरा ऑप्शन ट्राई करने वाली हो किंग्स इलेवन पंजाब। तो हम इसके बाद बात कर लेते हैं इनके बॉलिंग लाइनअप की। देखिए जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें सर्डल क्वार्टर, मोहम्मद शामी, रवि बिश्नोई, जिमी निशाम, मुर्गन अश्विन, ग्लेन मैक्सवेल, ये सभी लोग बराबर बॉलिंग करा रहे हैं, 6 बॉलर के साथ ही उतर रहे हैं हर बार मैच खेलने। तो हम बात कर लेते हैं इनके बॉलर की परफॉर्मेंस, क्योंकि बॉलर की परफॉर्मेंस सर्डल क्वार्टर बॉलिंग तो ठीक ठाक करे लेकिन ये पिट बहुत रहे हैं। तो हम इसके बाद बहुत मोहम्मद शामी, तो आज के पिक में मोहम्मद शामी हमारे बॉलर की लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाले हैं, तो इनको भी आज हमको पिक करना है। अब बात कर लेते हैं रवि बिश्नोई, जो कि काफी अच्छे स्पिनर हैं, तो इनको आज हम इनको भी अपनी टीम में रखेंगे, मेगा कॉन्टेस्ट की टीम में इनको रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं जमी नशीम की। जमी नशीम ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। इसके बाद मॉर्गन अश्विन और ग्लेन मैक्सवेल, तो ग्लेन मैक्सवेल तो आपके लिए अच्छे पिक हो ही सकते हैं, क्योंकि इनसे बॉलिंग भी कराई जा रही है और बैटिंग भी कराई जा रही है। तो आज के मैच में इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे स्मॉल कॉन्टेस्ट की टीम की। तो स्मॉल कॉन्टेस्ट में हम लोगों को रखना है मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा, क्वेंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, 4 बल्लेबाज में से किसी टीम को लेके आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पॉइंट की दिक्कत होगी। इसी तरह अगर हम सामने देखते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन, इनमें से आप सिर्फ 2 प्लेयर ले पाएंगे, क्योंकि दोनों के बाद अगर आप लेने पे जाएंगे तो आपके पास पॉइंट की दिक्कत बहुत तगड़ी पड़ने वाली है, क्योंकि आज के जो इनके ओपनर्स हैं इनके सबके पॉइंट 10 पॉइंट, 10.5 पॉइंट ऐसे ही पॉइंट्स हैं। तो आपको आज टीम बनाने में दिक्कत पॉइंट्स की आएगी। अब हम बात कर लेते हैं
इनके बॉलर्स की, तो बॉलर्स में हम आज लेंगे इनकी तरफ से तो हार्दिक पांड्या और राउंडर एक बॉलर ले लेंगे और दूसरा खिलाएंगे हम जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं तो एक से दो विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के बॉलर्स की तरफ से हमको किसको लेना है, तो हम उनकी तरफ से लेंगे जिमी नशीम को लेंगे और मोहम्मद शामी को लेंगे। तो ये दो प्लेयर हमको सामने से खिलाने हैं, तो जिसमें कि ये भी काफी अच्छा करके दे रहे हैं। तो आज यही रहेगी हमारी मेगा कॉन्टेस्ट की टीम और स्मॉल कॉन्टेस्ट की टीम, तो आपको अपने हिसाब से टीम बनानी है, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो जो हम मेगा कॉन्टेस्ट खेलेंगे उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन हम ईशान किशन को और लोकेश राहुल को पिक कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं, लेकिन आज हमारी टीम में मेगा कॉन्टेस्ट में ईशान किशन कैप्टन और लोकेश राहुल वाइस कैप्टन रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल टीम में, तो स्मॉल टीम में हम रोहित शर्मा को आज कैप्टन रखने वाले हैं और सामने से रखने वाले निकोलस पूरन को कैप्टन बनेंगे। हमें लगता है निकोलस पूरन अच्छा करके दे सकते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब सूर्यकुमार यादव को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ जा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब देखते हैं आज के मैच में क्या होता है, चलता है शर्मा जी का बल्ला या फिर राहुल भैया का डंडा। तो चलिए आज के वीडियो को हम ये खत्म करते हैं, नमस्कार वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो आप तक बराबर